हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट वन. सो न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ आज हम देखने वाले हैं. फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन पर्टिकुलर, फर्स्ट लॉ समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स इसके पहले हमें जानना पड़ेगा. उसमें आता है फर्स्ट टर्म जो है वो है इनर्शिया. अब इनर्शिया क्या है? तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, तुमने एक जगह पे रखी है तो वो वहीं पे रहेगा, यानी वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे वहीं रहेगा जब तक तुम उसको उठा के दूसरी जगह पे नहीं, यानी दूसरा एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके तुम उसको दूसरे जगह पे धक्का दे के नहीं रखोगे तब तक वो वहीं पे रहेगा, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट. या फिर एक और एग्जाम्पल है जो हमने बचपन से देखे, हम जब बस पे चढ़ते हैं और हम जाके एक सीट में बैठ गए और सडनली बस ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया बस, एंड थोड़ी देर के बाद बस के सामने कुछ तो भी आया और बस ड्राइवर ने उसको ब्रेक लगा दिया. तो जब हम ब्रेक लगाते हैं बस ड्राइवर, तो हमें एक फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमें एक जर्क मिलता है. तो हम क्या थे? एक यूनिफॉर्म मोशन में थे, वेलोसिटी थी, हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम मूव कर रहे थे और सडनली उन्होंने क्या किया, ब्रेक लगाने पर क्या हो गया, हमें एक जर्क ऊपर सामने की ओर है. तो दैट इज इनर्शिया. तो जब तक एक बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है और सडनली एक अनबैलेंस फोर्स नहीं आता, वो वहीं पे रहता है. तो इट इज अ प्रॉपर्टी. तो डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है. तो नेक्स्ट स्लाइड में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स. एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज कॉल्ड एज इनर्शिया. अब इस पे मैंने दो एग्जांपल्स डाल रखे हैं. तो जो कार है, एक कोई कार है, कार को हमने पार्किंग लॉट में पार्क करके रखा है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट वाला जो एग्जाम्पल है. या एक स्टोन रोड पर पड़ा हुआ है, कोई एक पत्थर है, वो भी एग्जाम्पल है अपना रेस्ट वाला केस का. और दूसरा क्या, यूनिफॉर्म मोशन का. यूनिफॉर्म मोशन का है, एक आदमी बैठा है, हॉर्स राइड कर रहा है और सडनली उसने क्या ब्रेक, उसको रोक दिया. रोकने में क्या हो गया, ही विल फील अ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो सडनली जब हॉर्स स्टॉप हो जाता है तो पर्सन को एक आगे की ओर, हो सकता है कि वो आगे गिर भी जाए अगर हॉर्स सडनली स्टॉप हो जाए. तो एग्जाम्पल था एक कार पार्क्ड इन पार्किंग लॉट और अ स्टोन लाइंग ऑन द रोड, वो है एग्जाम्पल रेस्ट वाला केस का. और यूनिफॉर्म मोशन का जो एग्जाम्पल है, ए पर्सन सिटिंग ऑन द हॉर्स फॉल्स डाउन व्हेन द रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप्स. फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू, एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स क्या है? कोई भी एक वस्तु यानी बॉडी हमने एक बीच में रखा है और मैंने दोनों साइड से 5 न्यूटन अप्लाई किया है, दोनों साइड से 5 न्यूटन या दोनों साइड से सेम मैग्नीट्यूड वाला मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो वो जो बॉडी है इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, वो वहीं पे रहेगा. क्योंकि क्या हो गया, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, यहाँ से 5 न्यूटन है, यहाँ से 5 न्यूटन है, बट क्या हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक का साइन पॉजिटिव रहेगा और दूसरे का साइन माइनस रहने के कारण क्या हो गया, जब रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या है, वो बैलेंस क्या है, बट उन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन रहेगा वो अपोजिट रहेगा और उनका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए मैंने 5 न्यूटन बोला. तो फोर्सेस विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स. नाउ अनबैलेंस फोर्स, अब फोर्सेस अप्लाई टू ए बॉडी मेक इट टू चेंज. मैंने एक अपना मोबाइल रखा है, मैंने उसको फोर्स अप्लाई किया तो दूसरे साइड से कोई फोर्स नहीं होता और वो आगे की और दूसरे पोजीशन में जाके रुक गया. सो दैट इज द अनबैलेंस फोर्स. हमारे एक गेम होता है, तुमने यूजुअली यू पीपल लाइक्स टू प्ले दैट गेम इज गेम ऑफ टग ऑफ वार. तुमने देखा है एक रस्सी रहती है और दोनों साइड में 5-5 मेंबर्स रहते हैं और दोनों में स्ट्रेंथ का फाइट होता है. और एक अनबैलेंस फोर्स, एक मोमेंट ऐसा आता है कि अनबैलेंस फोर्स आ जाता है क्योंकि दोनों में फोर्सेस डिफरेंट अप्लाई होता है और एक विनर हो जाता है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स. नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया. तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं. ए बॉडी कंटिन्यूज टू द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. अगर एग्जाम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं तो तुम्हें एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा. हमने देखा है कि मैजिशियन नीचे कपड़ा रखता है और उसके ऊपर एक ग्लास फुल ऑफ वाटर रखा रहता है और सडनली वो क्या करता है, कपड़ा खींच लेता है. तो उसमें कोई मैजिक नहीं होता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है. जब वो खींचता है तो जो ग्लास है स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता है और ये सडनली खींच लेता है तो उसको वो बॉडी कंटिन्यूस टू द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो इसलिए ए मैजिशियन कैन पुल ए टेबल क्लॉथ
फ्रॉम द अंडरनीथ अ ग्लास फुल ऑफ वाटर विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑन द टेबल. एक ड्रॉप भी नहीं गिरता है और वो ग्लास वही रहता है, वो कपड़ा खींच लेता है. तो देर इज नो मैजिक, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू.